हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज है फरवरी 16 और हमारे चूजे जो है आज ही आए हैं मॉर्निंग में, करीब 10 बजे प्लेस हुए। और पिछला बैच निकला था 5 फरवरी को, तो करीब करीब 10-11 दिन के गैप पे ये दूसरा बैच, मतलब कि सेकंड बैच चालू हो गया फिर से दोबारा से। और पिछले राउंड का जो हमारा पेमेंट बना हुआ था वो हमने सोचा था कि 1 लाख के पार जाएगा, लेकिन 1 लाख रुपए बना था। और कल ही उसका मैसेज आया। और ये वाली जो प्लेसमेंट हुई है इसमें हमारे 4590 बर्ड जो है प्लेस हुए हैं, और प्राइम एवियन कंपनी से हम लोग चला रहे हैं, इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहे हैं। और इस टाइम पे काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं कि चूजा प्लेस किया जाए कि नहीं फार्म में। जो प्राइवेट फार्मर हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि चिक्स का रेट इतना महंगा हो गया है कि 40 रुपए के ऊपर है, तो काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों में, फार्मरों में, कि रेट होली पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसका तो कोई भी गारंटी नहीं है कि ऊपर जाएगा कि रेट नीचे रहेगा, लेकिन पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, पिछले जो भी सीज़न निकले हैं होली के, तो सब में 100 से प्लस ही था। और इस बार चूजे का रेट इतना महंगा हुआ है, बहुत ज़्यादा अगर प्राइवेट फार्मिंग प्राइवेट में चूजे डल गए तो उनके पास पूरा डाटा होता है, तब भी वो रेट बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे अपने हिसाब से। और अगर आप नहीं डालते हो तब तो और उनके पास खुली छूट मिल जाएगी, क्योंकि जब कंपनियों के चिक्स ज़्यादा पड़ेंगे, इंटीग्रेशन के जो चिक्स हैं वो ज़्यादा पड़ेंगे, तब भी वो रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि तब तो उनका और प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से आप, अगर आप, मैं कहता हूँ कि आप 10,000 की फार्मिंग कर रहे हो, 5,000 की फार्मिंग कर रहे हो प्राइवेट में, तो आप कम ही डालो, तब फिर जा कर के ज़्यादा चांस है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ प्राइवेट में भी और इंटीग्रेशन में भी, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो फिर रेट कम बढ़ने के चांस है। लेकिन वही अगर क्वांटिटी आप खुद ही कम कर लेते हो प्राइवेट फार्मर, आप अपनी 50% कैपेसिटी पर ही चिक्स प्लेस करो, तो मेरे हिसाब से रेट डाउन नहीं जाएगा, प्लस में ही रहोगे, घाटा नहीं जाएगा, खास करके होली का जो राउंड है। तो मेरा कहना यही था कि आप डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा भी ना हो कि पछताना भी पड़े नहीं डाल के भी और बहुत ज़्यादा डाल के भी, तो उतना ही डालो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि कुछ आपको भी मिल जाए और रेट भी ना डाउन जाए। और हमारा जो यहाँ पे अभी कल जो पहला पानी लगा था वो इलेक्ट्राल ही लगा था, अभी का टेम्परेचर रात में थोड़ा सा डाउन जाता है, तो इसलिए बुखारी डाल दिए हैं कंट्रोल के लिए। और ये इधर 3 इलेक्ट्रिक ब्रूडर हैं, एक वो है, एक ये और एक इस तरफ, तो लाइट है। अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं, तो इसके बाद अभी बुखारी वगैरह बंद कर दी जाएगी। इसको बंद करने के लिए, जैसे अगर आपने बुरादा भर दिया, अगर आप चाहते हैं दिन में धूप हो गई है तो बाहर जो इसका निकला हुआ है एग्जॉस्ट, उसमें आप कुछ कपड़ा ठूस दीजिए, तो ये बुखारी उसी पे ठंडी हो जाएगी। और फिर जब रात में टेम्परेचर डाउन होगा, आप बस वो कपड़ा बाहर का निकाल दीजिए, तो फिर से ये मौसम पकड़ लेगी, टेम्परेचर बना लेगी। तो यही रहा इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।